इलेक्शन कमिशन के संपूर्ण कैमेरे या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत आणि होते त्यामुळे ते वीडियो सीडी काढतील ते एक रेकॉर्डिंग काढतील कुठलाही बैलेट पेपरला मी हात लावला नाही आहे आणि कुठलाही बैलेट पेपर केवळ मी मला जेवढा अधिकार होता कुणाला मत देण्याचा ते पाहण्याचा तो अधिकार फक्त मी वापरला कुठल्याही बैलेटला हात लावला नाही उलट त्यांनी जे या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काही लोकांचे बैलेट हातात घेतले त्यावर आम्ही जे ऑब्जेक्शन घेतला आहे त्याला काउंटर ऑब्जेक्शन म्हणून काहीतरी वेळ काढूपरा केला आहे या ऑब्जेक्शन मध्ये काही तथ्य नाहीये। हिंदी में बता दीजिए सर जिस तरीके का एक्शन लिया गया है इस बारे में क्या कहें। देखिए कि मुनगंटेवार जी का जो बैलेट पेपर है वो मैंने हाथ में लिया ये जो ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है बहुत ही गलत और बेहुदा है। इलेक्शन कमीशन के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ चालू थे वो देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन भी देखेगा। हमने ऐसी कोई कृति नहीं की है। मुझे जो अधिकार प्राप्त है कि जो वोट करना था मैंने देखना था उतना ही हमने किया है। कोई भी बैलेट पेपर को हाथ नहीं लगाया गया कोई भी बात नहीं कोई भी ऐसी कृति नहीं हुई है उल्टा उनके तरफ से ऐसी कृति हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया है करके वो काउंटर ऑब्जेक्शन लेकर टाइम पास करना चाहते हैं कोई तथ्य नहीं है बेहुदा बातें हैं। क्या काउंटर करने की कोशिश है खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जेक्शन को लेकर के इस तरीके की चीजें की जा रही है क्या? यस बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्डिंग में आप देख लेंगे तो दिखेगा कि मैंने जब बैलेट पेपर बैलेट को हाथ ही नहीं लगाया वो मैं कृति नहीं किया है या वो मुझे समझता है उतनी समझ मुझे है तो निश्चित रूप से ये काउंटर केवल टाइम पास करने के लिए और एक प्रेशर के लिए कि भाई इन्होंने हमारे पे ऑब्जेक्शन लिया है करके हमने ये ऑब्जेक्शन लिया ये केवल वहाँ पर प्रेशर के लिए किया गया ऑब्जेक्शन ऐसा मुझे लगता है। नहीं आम्ही जे ऑब्जेक्शन घेतला आहे ते ऑब्जेक्शन नियमाप्रमाणे इलेक्शन कमीशन तपासेल आणि त्यानुसार निर्णय घेईल। त्यांनी ऑब्जेक्शन जे घेतला आहे त्यावर रेकॉर्डिंग बघेल इलेक्शन कमिशन बघेल त्यामुळे कुणाचं खरं आहे कुणाचं खोटं आहे हे निवडणुकीच्या मतदानाच्या वेळी म्हणजे ऑब्जेक्शनचे ऑर्डर करताना इलेक्शन कमिशनला निर्णय घ्यावा लागेल। त्यामुळं मला वाटतं अत्यंत चुकीचा आक्षेप घेतला आहे लवकरच तो आक्षेप निकाली निघेल। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।